अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिजनेस प्लान डॉक्टर। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद अहमद, आपका दोस्त। और आज आप मैं रोज़ाना एक ना एक कोई ना कोई बिजनेस प्लान लेकर आता हूं, और बहुत ही आसान होता है बिजनेस आइडिया, न्यू बिजनेस आइडिया। और जो मैं खुद करता हूं वही मैं कोशिश करता हूं या प्रैक्टिकल में देख के अपने दोस्तों से मशवरा करके वही मैं काम जो जिसमें प्रॉफिट होता है वही मैं आपसे के साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने अपने दोस्त कुछ दिन पहले मैंने अपने दोस्त के साथ एक दोस्त के पास गया, उससे बातचीत की, और मैं बिल्कुल ही कोई काम नहीं कर रहा था तो मैंने उससे मशवरा लिया, उसने मुझे एक मशवरा दिया। आज वही मशवरा आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और जो मेरे नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो सबसे पहले उस आइडिया की तरफ चलते हैं। आइडिया मोटरसाइकिल ख़रीदो फरोख्त का। आपके पास थोड़े से पैसे, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ 20-30 हज़ार पैसे आप काम शुरू कर सकते हैं, और बहुत ही मुनाफा बख्श ये कारोबार है। मुनाफा बख्श कारोबार इस तरह कि आपको काम नहीं आता तो तब भी कोई मुश्किल नहीं है, अगर आता है तो फिर भी बहुत आसान, गुड। अगर नहीं आता तो आप अपने किसी दोस्त को ले लें जो मोटरसाइकिलों का काम करता हो, उसके पास चले, उसको बोले मैंने मोटरसाइकिलें ख़रीदनी है, एक ख़रीद ले। आपके पास दुकान भी नहीं है तो तब भी कोई मसला नहीं है, आप घर पे भी ये बैठ के साइड बिजनेस के तौर पे भी कर सकते हैं। आपने उससे मशवरा करना कि भाई मैंने 20 हज़ार की मोटरसाइकिल लेनी है और उस पर 1-2-3 हज़ार रुपया खर्चा हो जाए तो वो अच्छी हो जाए। मोटरसाइकिल तो इतनी नॉर्मल नहीं लेनी, 15 हज़ार वाली, 20 से आगे आगे लेनी, 20 से 25 हज़ार के अंदर अंदर अच्छी कंडीशन देख के, ठीक है। 2-3 हज़ार उस पर लगता हो तो लगा भी दें, 2-2 हज़ार की आपकी मोटरसाइकिल बन गई एक मिसाल के तौर पे। उसके बाद आपने उस पर मतलब कि 20 की ली, 2 हज़ार रुपये उस पर खर्च कर दिया, ये होगी आपकी 22 हज़ार की मोटरसाइकिल बन गई। उसको साफ वाश वगैरह करवा के, अच्छे तरीके से वाश करवा के, धुला के, उसको कपड़ा शपड़ा लगा के, घर में पॉलिश वगैरह लगा के खड़ी कर दें। आप ऑल एक्स पे एक तस्वीर उसकी खींचे, 2-3 तस्वीरें आगे पीछे की तस्वीरें खींचे, और वो पिक्स ऑल एक्स पे लगा दें, ऐड कर दें, और अपनी लोकेशन वगैरह डाल दें, और आप ज़्यादा ना 3 हज़ार रुपये आप उस पर मुनाफा ले लें। 22 के 25 की सेल कर दें, 30 की आवाज़ लगाते रहे, या 30 की उसकी ऐड डाल दें, 30 हज़ार रुपये उसकी प्राइस डाल दें। 30 हज़ार टर्म प्राइस डालेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो आपसे 25-26-27 की वो जहाँ जिस आदमी को पसंद है कि वो आपसे ले लेगा। इसके साथ आपको 3 हज़ार रुपया फ़ायदा होगा, मिसाल के तौर पर कम से कम बता रहा हूँ। और अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, अल्लाह ताला का बेहतर रिजक देने वाला। हमारे उस्तादा थे, वो कहते थे कि हमारे माशरे में एक चीज़ ये बड़ी देखी जाती है कि उसकी दुकान है दूध दही की या बाइकों की, मेरी किस तरह चले। अल्लाह बेहतर रिज़्क, अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतर रिज़्क देने वाला है। मेरे भाई आप कोशिश करें, सिर्फ मेहनत करें, अल्लाह किसी की मेहनत को रागा नहीं जाने देता। तो आपने इर्द गिर्द लोगों को कहना है जी मेरे पास बाइक खड़ी है यूज़फुल, आप ले लें, वो उनको प्राइस बता दें, अगर उनको पसंद आ गई तो वो ले जाएंगे आपसे 25-26। अगर आपकी महीने की 10 मोटरसाइकिल आप मेहनत करते हैं, और ये बहुत अच्छा सेटअप हो सकता है अगर आप शुरू कर लें और आस्ता 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 बाय स्टेप करते रहें, तो ये बहुत अच्छा सेटअप हो सकता है आपका। वो सेटअप इस तरह हो सकता है कि आप मेहनत की रागा नहीं जाती आपकी, ज़ाया अल्लाह ताला नहीं मेहनत करता जब आप करते रहते हैं। तो आपकी 10 मोटरसाइकिल एक मंथ का आप लगा लें कि एक मंथ में मेरी 10 मोटरसाइकिल जानी चाहिए, और जाएंगे इंशाल्लाह। आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे, आपकी 10 हज़ार मोटरसाइकिल चलेगी तो 3 हज़ार रुपये पर बाइक आप मुनाफा करते, तो मेरा ख्याल है ये 30 हज़ार रुपये बचता है। और आप बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं इसके साथ, नए मोटरसाइकिलों का भी बिजनेस कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये 30 हज़ार रुपये आपको बचत है। और घर में हम ये सैड बिजनेस के तौर पे भी करें, अगर सही रियल में करें तो यह ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आप पूरा परफेक्ट टाइम देंगे 12 घंटे ड्यूटी मतलब ये काम को। तो मेरा ख्याल है कि ये आपको 30 से भी 60 हज़ार रुपये आ सकता है। अगर आप सैड बिजनेस के तौर पे करते हैं तो आपको ये 30 हज़ार रुपये देगा, और 30 हज़ार कम नहीं है। अगर हम नौकरी में चले जाएँ तो हमें 12-13 हज़ार रुपये हमारे पाकिस्तान में मिलती है नौकरी, 12 घंटे ड्यूटी लेते हैं और उनकी सुननी पड़ती। जब अपना कारोबार होगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तिजारत करो, ये तिजारत का एक काम है, तो इसमें 80% बल्कि 99% 99% बरकत है मेरे भाई। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। वस्सलाम।